कर्नाटक के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं मैं। साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जो पूरी टीम साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो कर्नाटक में आके मेहनत करी है, मैं उनको ही मुबारकबाद पेश करता हूं। आज जो रिजल्ट आया है कर्नाटक का, आज पूरे मुसलमान होने का यह फायदा होता है, एक होने का यह फायदा होता है। आप देखिए पूरा इलेक्शन बदल गया पूरा। आज जो मैं अमीर शरीयत से मुलाकात किया था कर्नाटक में, हाफिज साहब तकरीबन मौलानाओं से उलमाओं से मुलाकात करा, अल्हम्दुलिल्लाह आज रिजल्ट ये आया। आज बजरंग दल भी बचा नहीं सकी, ना बजरंग दल ना बजरंग बली बचा नहीं सके। आज उन्हीं की धूम से है सो बीजेपी जल गई खाक हो गई। इसी तरीके से तेलंगाना में भी हमारा इलेक्शन है। अब आज यहां के भी मैं मुसलमानों को अपील करूंगा कि सब हो जाओ, सब एक हो जाओ, उसके बाद ऐसे रिजल्ट आते। बीजेपी का बिल्कुल सफाया, जैसा आईपीएल चल रहा हर उसी तरीके से, जैसा कर्नाटक गया उसी तरीके से हर स्टेट बीजेपी के जाने वाले। इंशाल्लाह जो फाइनल है जो 2024 में है वो भी इंशाल्लाह बीजेपी हारेगी, 100% हारेगी अगर अपना इत्तेहाद हुआ तो। अगर मुसलमान एक हुए तो आज हमको भीख मांगना नहीं है, अब अपने हक के लिए आगे बढ़ना है। अपने हक है तो चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे कहीं भी इलेक्शन हो, अपने हक के लिए आगे बढ़ना है। और अपना हक इस तरीके से बात करके लेना है कि भाई अगर आप अपना हमारा हक दे सकते हैं तो हम आपके साथ हैं, वरना हम अकेले लड़ेंगे, वरना हम मुसलमान पूरे एक होकर एक बड़ी ताकत बनाएंगे, बड़ी ताकत बना के पूरे माइनॉरिटीज को ले लेंगे। इंशाल्लाह दलितों से बात करेंगे, बात करके हम भी अपने अपना मौक बनाएंगे। इंशाल्लाह हम भी सीएम बन सकते, हम भी बराबर सीएम बन सकते, ये है।